ओशो से एक और बड़ी खास चीज मैंने सीखी थी, और वो है कि सवाल कौन सा होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत से क्वेश्चंस हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे क्वेश्चंस आसपास से कहीं से भी कोई भी चीज़ के बारे में हम पूछ लेते हैं और फिर बाद में वो क्वेश्चन उनको बहुत आगे ले नहीं जा पाता। तो ओशो जब उन्होंने जब पीएचडी किया था, ज्वाइन किया था, कल मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे ओशो ने इनफैक्ट कॉलेज कैसे सेलेक्ट किया था। उन्होंने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, उनके एक प्रोफेसर ने उसको जबरदस्ती पकड़ करके अपने यहाँ बुलाया था कि तुम मेरे कॉलेज में पढ़ोगे, नहीं तो फिर जिस कॉलेज में पढ़ोगे वहाँ मैं आकर तुमको पढ़ाऊँगा, ऐसे करके वो एक थे प्रोफेसर, एक उनका नाम था एसएस रॉय। तो जब फिर उन्होंने फाइनली ज्वाइन कर लिया वो कॉलेज और पीएचडी करना शुरू किया, तो जिस दिन पहले दिन इन्होंने फिलोसफी की क्लास ज्वाइन की थी, बोलते मैंने फर्स्ट डे अपने प्रोफेसर एसएस रॉय से कहा, मैंने एक सवाल पूछा उनसे, क्वेश्चन पूछा, और बोलते हैं मतलब ओशो तो लिखने के भी थोड़ा स्टाइलिश थे ना, बातें एकदम करते थे, तो बोलते मैंने उनसे पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप, जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट जानते हैं, एब्सोल्यूट मतलब जो परफेक्ट होता है, आमतौर पे जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है गॉड का, आमतौर पे लोग गॉड को तो ऐसे मानते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं और आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, इसी को हम गॉड बोलते हैं, बट जो फिलोसफर्स जो जिसको गॉड मानते हैं उनको एब्सोल्यूट बोलते हैं वो, या परफेक्ट कहते हैं, कि वो अपने आप में कंप्लीट बीइंग है। तो ओशो ने अपने प्रोफेसर से क्या पूछा, मैं उन्हीं के शब्दों में बोलता हूँ आपको। ओशो कह रहे हैं कि मैंने उनसे एसएस रॉय से एक सवाल पूछा, और उसी सवाल की वजह से ज़िंदगी भर के लिए एसएस रॉय और मेरी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया, बहुत पढ़ाया अच्छे तरीके से। सवाल ये था, इज़ योर एब्सोल्यूट परफेक्ट, कि जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, जिसको आप गॉड बोलते हैं, क्या वो परफेक्ट है? Has it come to a full stop or it is still growing? क्योंकि अगर वो परफेक्ट है तो वो अभी भी ग्रो हो रहा है, जिसको आप गॉड बोलते हैं या परफेक्ट बोलते हैं, या वो ग्रो होना बंद कर चुका है? If it is still growing, और अगर वो सचमुच में अभी भी ग्रो हो रहा है, then it is not absolute, it is imperfect. जो चीज़ अभी भी ग्रो हो रही है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो imperfect है। ये सवाल जब उन्होंने पूछा, क्योंकि उनका कहना था कि जो चीज़ अभी भी ग्रो हो रही है वो तो इम्परफेक्ट, अभी तो भी तो ग्रो हो रही है नहीं, बट मुश्किल होगी। पता है मुझे, मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था ओशो की बुक को, मुझे सवाल बहुत सही लगा, बिकॉज मेरा भी जो आइडिया था गॉड का वो यही था कि गॉड इज़ परफेक्ट, वो अपने आप में उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते आप, वो ग्रो नहीं करता। इनफैक्ट ग्रो का जो आइडिया है वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का है, पेड़ ग्रो होता है, बच्चा ग्रो होता है, बट गॉड कैसे ग्रो हो सकता है? हो सकता है गॉड ग्रो? और अगर जो चीज़ ग्रो नहीं होती वो तो स्टैटिक है, लेकिन जब से हमने जिनोगा उन्होंने के कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, कॉन्टैक्ट में आए हैं, तब से हम लोग की जो आइडियाज़ हैं गॉड के बारे में या लाइफ के बारे में या रियलिटी के बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नाउ हम दोनों मतलब बिगड़ चुके हैं, मैं और आप और जो लोग भी जिनोगा अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ परफेक्ट के बारे में, गॉड के बारे में सोच नहीं सकते। आप सोच सकते हैं, मैं बोलूँगा बताओ गॉड कैसा होता, तो आप चुप बैठेंगे, ऐसे मुँह ताकते रह जाएंगे मेरा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप कोई कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स होते हैं, जो फिलोसफी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एब्सोल्यूट के बारे में, गॉड के बारे में इतना सब पढ़ चुके होते हैं कि उनके अगर कॉन्सेप्ट को कहीं से भी चोट पहुंची, जैसे ये प्रोफेसर बोलता है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका आंसर नहीं दे पाया, प्रोफेसर बोलता है वो खुद का प्रोफेसर, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने इनके ऊपर ब्रैडले नाम के कोई फिलोसोफर थे उनके ऊपर पीएचडी की थी, और बनारस से उन्होंने शंकराचार्य के ऊपर पीएचडी की थी। तो बोलता है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है, इसका आंसर क्या देना है। तो ओशो कहते हैं ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, और 3-4-5 दिन बाद उसने आया और कहा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। और मैं उन्होंने एक नई चीज़ की ओशो के साथ, पता है क्या किया, बोलते हैं मेरे हॉस्टल में आए और मेरा बोला सामान पैक करो और चलो मेरे साथ मेरे घर रहो, क्योंकि तुम्हारे पास जो पर्सपेक्टिव है, सवाल जो है चीज़ों को देखने का नज़रिया, बोलते हैं आज तक मुझे किसी ने इस तरह का सवाल नहीं पूछा, और मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे को ये सवाल क्यों नहीं आया कि जो परफेक्ट है वो ग्रो कर रही है या डेड है, क्योंकि अगर डेड है तो वो ग्रो कैसे, एब्सोल्यूट कैसे, गॉड कैसे, और जो चीज़ ग्रो कर रही है वो परफेक्ट कैसे हो सकती है। तो ओशो ने इसमें एक बड़ी खास चीज़ कही थी उनसे, वही मैं आपसे बताना चाहता था। आपके पास ढेर सारे सवाल होंगे रोज़मर्रा की लाइफ के प्रॉब्लम्स के, उनको सर्च करिए, बट जो सचमुच में आपको बहुत आगे ले जाएंगे, डेफ्थ में ले जाएंगे, जो क्वेश्चंस,
वो वही क्वेश्चंस होते हैं जिसके सचमुच में आप आंसर्स खोज नहीं पा सकते, वो लाइफ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जिन सवालों के आप जवाब खोज लेंगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो सवाल होते हैं जिसको लेकर के आप लाइफ में एक्सप्लोरेशन करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, चाहे बिजनेस की दुनिया में हो, आज की डेट में अमेजोन है या जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो एक ऐसा क्वेश्चन खोज रही हैं जिसको वो लोग लाइफ लॉन्ग और बेटर कर सकें और अच्छा कर सकें। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इज नॉट वर्थ परस्यूइंग। अब फाइनली अगर ओशो मेरे सामने आते और ये सवाल मेरे सामने रखते, हालांकि मेरे सामने रखते नहीं क्योंकि मैं ना फिलोसफी का स्टूडेंट ना प्रोफेसर, बट एब्सोल्यूट अपने आप में परफेक्ट है या ग्रो कर रहा है, अगर ये सवाल है तो फिर इसका जवाब क्या होगा आशीष भाई? अगर ओशो आपसे पूछते हैं तो आप इसका क्या आंसर देंगे? या मैं अनिल से पूछता हूँ कि जो गॉड है, जो परफेक्ट है, अगर वो एब्सोल्यूट है तो वो ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है? आपका आंसर क्या है इसमें? ये असल में इसलिए आप इसका आंसर नहीं सोच पा रहे हैं क्योंकि दो दो वजह हैं आप इसका आंसर नहीं सोच। एक तो आप फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं हैं, नहीं तो आपके पास ढेर सारे जुमले होते, जैसे आजकल के गवर्नमेंट के पास ढेर सारे जुमले हैं, नहीं आपको ढेर सारी बातें बता देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे ही दिमाग में जो लोग भी किसी सब्जेक्ट को, खासतौर से फिलॉसफी में, इतने ढेर सारे जुमले हैं, जैसे एक जुमला ये है, जो परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आया है पता है कहाँ से आया? संस्कृत के श्लोकों से, पूर्णमिदम पूर्णमुदश्यते पूर्णमादाय, ऐसे करके एक श्लोक है कि जो गॉड है, जो परफेक्ट जो बीइंग है, वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है, उस पूर्ण में अगर आप और ऐड कर देंगे तो भी वो पूर्ण है, अगर उसमें से कुछ निकाल भी लेंगे तो भी वो पूर्ण है, ऐसा कॉन्सेप्ट है गॉड का या लाइफ का। ये कहाँ से आया है? ये इस फिजिकल वर्ल्ड की, फिजिकल नियमों की दुनिया से ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इसकी इमेजिनेशन से भी नहीं आया है, क्योंकि जो हम ग्रोथ की बात करते हैं या डेड की बात करते हैं, वो सारी की सारी हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ों को जो देख पाते हैं उसी से हमारा आइडिया हम उठा करके छेप रहे हैं गॉड के ऊपर या लाइफ के ऊपर। ग्रोथ किसकी होती है? जो फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें आती हैं उसकी ग्रोथ होती है, जो चीज़ फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है उसकी ग्रोथ नहीं होती, और जिसकी ग्रोथ नहीं होती उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर गॉड या लाइफ कैसी है? वो ऐसी है, अब आपको शायद समझ में आना शुरू हो जाए, जिसमें कोई जो परफेक्ट स्टेट जो बोला गया है, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें कोई तृष्णा नहीं होती, इसमें कोई प्यास नहीं होती, प्यास मतलब फ्रस्ट्रेशन वाली प्यास नहीं होती, जिसको आप कभी दुखी नहीं कर सकते। एक इंसान या एक बीइंग जो परफेक्ट स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब सेक्शन 4 में पहुंच चुका है, जिसको सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट हो चुका है, वो अपने आप में जिन गहराइयों में जी रहा है उसमें आप उसे सब कुछ छीन लीजिए तब भी वो काम रहता है, अगर आप बहुत कुछ दे दीजिए उसको तब भी वो काम रहता है, तो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो परफेक्ट है, वो एब्सोल्यूट है। बिकॉज एब्सोल्यूट क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो ग्रो कर रहा है या नहीं ग्रो कर रहा है, इसलिए बिकॉज वो अपने आप में वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता, और एट द सेम टाइम इट इज वेरी क्रिएटिव, इट गिव्स लाइफ टू नियर बाई थिंग्स। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको बोल रहे, ओशो ने पूछा अपने प्रोफेसर से, एस एस रॉय से, और वो फंस इसलिए गया बिकॉज ही वॉज अ थियरटिशियन, उसने PhD कर रखी थी फिलोसफी के ऊपर, गॉड के ऊपर। सचमुच में अगर कोई आदमी मेडिटेशन में जाएगा, अपने माइंड की उस स्टेट ऑफ माइंड को अगर कुछ सेकंड के लिए भी एक्सपीरियंस कर पाएगा, परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, या कुछ दिन के लिए आप जाइए किसी एक हिल स्टेशन में जाइए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मुझे याद है काफ़ी साल पहले मैं ट्रेन पकड़ के आ रहा था वापस बॉम्बे से इलाहाबाद आ रहा था, मेरे बगल में नीचे वाले बर्थ पे एक आदमी बहुत खुश था, और वो इतना खुश था, आप लोग कभी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे ट्रेन में बहुत कंजूस होते हैं लोग, अपनी सीट के लिए बड़े कंजूस होते हैं, मगर आपने बर्थ बुक कर रखी है तो आप नहीं चाहते कोई उस पर बैठे। कोई आदमी बेचारा आधे एक घंटे के लिए खड़ा हो, दो घंटे के लिए खड़ा हो, तो बोले भाई साहब मैं 5 मिनट बैठ जाऊँ, तो नहीं बैठने देते, तो हमारी बर्थ है। तो वो आदमी इतना अच्छा था, इतना खुश था, यंग लड़का था, ऑलमोस्ट होगा 20-22 साल का, 25 साल का, वो बोल रहा था, कोई बोलता है बैठ जाओ, हाँ मैं बैठ जाओ, दो लोग हाँ तुम भी बैठ जाओ। एक बार तो मैंने देखा उसकी पूरी बर्थ पर 4 लोग बैठे हैं और वो बेचारा कोने में दुबक कर बैठा हुआ है और फिर भी स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है। मैंने कुछ गेस किया, मैंने उसको पूछा भाई साहब आपकी शादी हो रही है?
तो बोलता है गाँव जा रहे शादी हो रही ना, बोलता है मैंने ऐसे तुक्का मारा था। सो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी, चाहे किसी वजह से ही, वो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे। तो जो परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है, जो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है, वो फिजिकल वर्ल्ड के लिमिटेशंस उसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए उसको परफेक्ट कहा गया है। ये कहना कि कोई परफेक्ट जो गॉड होती है, लाइफ होती है, ग्रो कर रही है नहीं ग्रो कर रही है, ये ऐसा ही है जैसे आप बोलें कि 2 किलोमीटर दूध दे दो मुझे। इट डजेंट अप्लाई हियर, इसलिए बेचारा फंस गया प्रोफेसर। अगर वो बुद्ध को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता, समझता, तो वो कह पाता कि परफेक्ट मतलब वो जहां पर कोई दुख नहीं होता, कहीं शोक नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं, जहां पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहां पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए। और कोई करेगा नहीं मेरे हिसाब से, हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पर आता हूँ तो टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है, उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक जिनोगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।